हेलो फ्रेंड्स, आज की ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे टेलीग्राफ की मदद से कैसे किसी आर्टिकल को हम लोग अपने चैनल या ग्रुप में जब पेस्ट करेंगे तो वो अट्रैक्टिव कैसे दिखेगा। जैसे कि मैं आपको एक सैंपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसे करके दिखाऊंगा। जैसे कि ये देखिए, आप यहाँ पे अगर कोई भी हमारे इंस्टेंट व्यू पे देख सकते हैं, इंस्टेंट व्यू पे क्लिक करेगा तो जो हमने ये बनाया है ये कुछ इस तरीके का बन कर करके आ रहा है। अगर कोई ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो जो मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे चैनल की लिंक किया हूँ, सी फिशियल पर स्टडी चैनल, ये यहाँ पे जैसे ही कोई ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो वो उस चैनल को ज्वाइन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये टाइगर जो है वो टाइटल का नाम है, और टेल टेक्नो जो है ये जिसने मतलब ये ऑथर का नाम है। और फिर ये जो हमारा ये सारे कंटेंट, आप इसमें फ़ोटो आप यहाँ पे जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब मैं आपको इस चीज़ को टेलीग्राफ पे किस तरीके से इसका यूज करते हैं और फिर इस तरीके से अट्रैक्टिव ये आर्टिकल बनाते हैं। इसके लिए हम लोग टेलीग्राफ पे जाएंगे, आप लोग जैसे सर्च बार पे जा करके सर्च कर सकते हैं @टेलीग्राफ, तो सबसे पहला आएगा टेलीग्राफ इस तरीके का। ये जो सबसे पहले आएगा आप इसे पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सिंपली स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग इन एज ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे माय पोस्ट, आप जो भी पोस्ट क्रिएट करेंगे ये माय पोस्ट सेक्शन में आपके पास पोस्ट अवेलेबल रहेगा। और फिर यहाँ पे आप इसमें से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, अकाउंट का नाम, ऑथर नेम चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल लिंक चेंज कर सकते हैं, और फिर रिसेट ऑल सेशन, स्विच अकाउंट्स, ये सारे आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं इसे लॉग इन इन एज ऑन दिस डिवाइस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ये किसी ये ब्राउज़र के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा, तो मैं इसे सिंपली क्रोम ब्राउज़र के ऊपर करता हूँ इस चीज़ को। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइटल, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे दे रहा हूँ, टेल टेक्नो दे दिया। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है ऑथर ने में भी मैं टेल टेक्नो ही दे दे रहा हूँ। आप यहाँ पे चाहते हैं कि वो जो आप लॉगिन वाले फंक्शन आ पाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप भी चाहते हैं कि इस तरीके का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लॉगिन आ रहा है, यहाँ पे ये सेक्शन में टॉप टॉप राइट पे ये जो लॉगिन लिख करके ज्वाइन लिख करके आप भी चाहते हैं इस तरीके का है, तो आप भी जिस भी चैनल या ग्रुप कहीं का भी किसी से भी आप लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसका लिंक को कॉपी कर लें, चैनल या ग्रुप का लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो इंटर है आपके मोबाइल के बटन पे आप उसे क्लिक कर दें। आपका ये हो गया है, एक लिंक हो गया है क्रिएट। अब यहाँ पे आप आर्टिकल का कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले से ही टेक्स्ट रख रखा था, मैं उसी को पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे फोटो, मैं यहाँ पे आपको कोई फोटो डाल करके दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे कैप्शन लिख सकते हैं, और भी अगर टेक्स्ट डालना चाहते हैं जितना आप चाहते हैं उतना आप इस तरीके का टेक्स्ट डाल सकते हैं। डालने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बस पब्लिश के ऊपर कर देना है क्लिक। पब्लिश करने के बाद आपको ये जो URL क्रिएट हो क्या रहा है आप इसे कॉपी कर लें, या आपके आप कहीं पे भी आप इसे पेस्ट कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप इंस्टेंट व्यू पे क्लिक कीजिएगा, जो मैंने आपके सामने भी बनाया हूँ ये देख सकते हैं, मैंने ये जो बनाया आपके सामने, मैंने नाम रखा था टेल टेक्नो। यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारा लेआउट बन करके आया है। अगर आप चाहते हैं कि ये लिंक किसी को पता ना चले, जैसे कि मैं किसी को भी शेयर करूँगा तो ये लिंक किसी को आप चैनल या ग्रुप में चाहते हैं तो आप पहले से ही इमोजी का
इमोजीज वगैरह के अंदर आप इस तरीके के इमोजी मैंने बहुत सारे कलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे अब मैं कोई भी इमोजी सिंगल इमोजी को मैं करता हूँ सेलेक्ट। मैं कोई भी एक सिंगल इमोजी को मैंने कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा लिंक आया है क्रिएट हो करके, मैं यहाँ पे कोई एक इमोजी को कर ले रहा हूँ सेलेक्ट। एक हो गया सेलेक्ट। करने के बाद थ्री डॉट पे जाएंगे, क्रिएट लिंक करेंगे, और ये जो हमारा लिंक है जो मैंने बनाया है, बस आप इसे हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। हमें यहाँ पे कुछ लिंक भी पता नहीं चल रहा है कि हमारा किस चीज़ का लिंक आया है। कि बस आप इस तरीके से कहीं पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। आप इसमें एक चीज़ मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि वे ज्वाइन ऑप्शन जो लास्ट में लिख अपेयर होकर के आ रहा है। मैं जैसे कि वो जिस चैनल का मैं लिया हूँ, मैं देखिए मैं आपको ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी इस चैनल में ज्वाइन नहीं हूँ, ठीक ना। आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं इस यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, अब हमें क्या दिखा रहा है कि मैं इस चैनल में ज्वाइन हो गया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही इसका फ़ायदा था कि आप किसी को भी सिंपली अपने चैनल पे ज्वाइन करवा सकते हैं। इस तरीके का डिज़ाइन और अब बेहतर बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बन करके आ गया है हमारे सामने। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।